मैं जब पानी डालता हूँ तो वो पानी बाहर आ जाता है और पौधे तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि इसके रूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उस नीचे के रूट मोटे हो जाने की वजह से जो मिट्टी है वो ऊपर को आ गई है और उसमें जगह बिल्कुल नहीं बची है ताकि पानी डालें हम और जो पौधे को पानी मिल पाए। तो इसके रूट काटने के लिए मैं इसमें से सफाई कर रहा हूँ सारे, और इसमें ऊपर से इसके अंदर काफ़ी दूसरे प्लांट जमे आए हैं, गुलाउदी है और प्लांट काफ़ी जमे हुए हैं, जेड प्लांट लगा हुआ है, तो वो मैं सारा निकाल के और इसके अंदर से 4-5 इंच की मिट्टी निकाल कर फिर इसमें हम बकरी की मैंगनी की खाद इसमें डालेंगे और उसके बाद में मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी दूंगा। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस चंपा के प्लांट में कोई किसी किस्म की हमने खाद नहीं डाली है, वो दूसरा प्लांट था हमारा तो उसमें तो हमने 2-3 महीने पहले खाद डाली थी और इस प्लांट के अंदर मैंने कोई खाद नहीं डाली है। तो आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने जा रहा हूँ और उसको मैं पहले सबसे पहले इसकी गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई करने के बाद में फिर हम इसमें जो इसके प्लांट हैं पहले मैं उसको निकाल दूँ और फिर मैं इसकी गुड़ाई करूँगा। ये देखिए ये गुलाउदी हमारी इसके अंदर खड़ी हुई थी और एक ये प्लांट है इसको तो नहीं निकालूँगा, ये वैसा पौधा है तो परमानेंट, लेकिन ये अगर इसको निकालेंगे तो ये चलेगा नहीं फिर। और जो प्लांट गुलाउदी वगैरह है इसको मैं निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगा। और एक जेड प्लांट का भी हमने इसके अंदर ब्रांच लगाई हुई थी, वो ब्रांच भी हमने निकाल के और दूसरे गमले में शिफ्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी मिलती रहे। और जो लोग अधूरा वीडियो देखते हैं तो उससे वीडियो पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, तो लिहाजा पूरा वीडियो देखें प्लीज़। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम उसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर और डालें और आपके के अंदर नॉलेज पैदा करें इससे, ताकि आप गार्डनिंग अच्छी अच्छी तरीके से कर सकें अपनी। और जो भी नॉलेज आपको चाहिए है वो कमेंट्स में लिख के आप मालूम कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी नॉलेज और तरीक़ा आपको बताऊंगा। आपका अगर पौधा कोई मर रहा है या आपके पौधे को कोई बीमारी लग गई है या पौधा नहीं सही ग्रोथ कर रहा है, आप कमेंट्स में लिख कर और पूरी मालूमात कर सकते हैं। और हमें भी बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझसे कोई मालूमात करेंगे तो मैं अच्छी तरीके से आपको एक एक बात बताऊंगा और उसका फ़ायदा भी आपको बहुत पहुंचेगा और आपसे बहुत अच्छा रिश्ता कायम हो जाएगा। और इस तरीके से गार्डनर लवर सब हमारे दोस्त हैं और हम सबके दोस्त हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पौधे किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और क्या क्या फर्टिलाइज़र हम देते हैं। तो आपके सामने अभी हमने शेयर किया है कि हम बकरे की मैंगनी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादातर देते हैं। लिक्विड खाद का हमारा बहुत ज़्यादा जोर है ताकि हमारे प्लांट जो हैं वो हरे भरे हर बात रहें और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो रासायनिक खादें डालते हैं उसका पौधा कब मर जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो इस वजह से आप हमेशा रासायनिक खादों से बचें और ऑर्गेनिक खाद आप अपने प्लांट में इस्तेमाल करें। देखिए हमारे पौधे कितने अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और कितनी हरी भरी मई जून के महीने में कितनी ज़बरदस्त किस्म की हरियाली है। अब मौसम कुछ में नमी आ गई है और हवा के अंदर मॉइस्चर बन गया है तो अब आप खाद अपने प्लांटों में दे सकते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठंडा हो उस पीरियड में आप अपने प्लांट के अंदर खाद डाल दें और आपका पौधा और अच्छा ग्रो करेगा। जब बारिश का पानी उसको मिलेगा तो फिर पौधे बेहतरीन किस्म की ग्रोथ पकड़ लेगा और पूरा जो गार्डन है वो हरा भरा हो जाएगा आपका। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।